जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी मोदी स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, पूर्वोत्तर की जीत हमारी है, पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। अलगाव छोड़ विकास का साथ, अलगाव छोड़ विकास का साथ। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का 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 स्वागत है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की, भारत माता की, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत। जरा जोर से, जोर से आवाज लगा, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी भारत
आज के इस विजय उत्सव पर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कमल पुनः खिलने पर आज हम सबके बीच में विजय उत्सव मनाने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कहा कि आप सब की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और देश भर के लाखों कार्यकर्ता जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं उन सब की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ ही साथ अभिनंदन के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर त्रिपुरा में दोबारा सरकार बनाने में जिस तरीके से नेतृत्व दिया है और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया और मेघालय में भी वोट परसेंटेज को आगे बढ़ाने में योगदान किया है, मैं आप सबकी ओर से, लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को इस अथक प्रयास और नेतृत्व के लिए आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, जो आज आप जीत दोबारा दर्ज करा रहे हैं त्रिपुरा में, नागालैंड में अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यह कोई अनायास ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लंबी सोच लेकर, एक दूरदृष्टि लेकर, एक संकल्प लेकर भारत की राजनीति में और राजनेताओं के द्वारा जिस नॉर्थ ईस्ट का उपेक्षा की जा रही थी उसको मुख्य धारा में लाने का काम और नीतिगत निर्णय लेते हुए नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, इस कारण से हमको ये सफलता मिली है। आप सबको याद होगा, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर देश के अन्य इलाके विकास कर सकते हैं, अगर देश के अन्य इलाके मुख्यधारा में आकर के आगे बढ़ सकते हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं विकास कर सकता, और इस बात को लेकर के, संकल्प लेकर के नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, पूर्वोत्तर की ओर देखो और पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाने का काम करें, इस नीति को लेकर के प्रधानमंत्री जी चले। और आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में 50 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण किया और नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लेकर किया। वो अपना छोटापन और ओछापन दिखा रहे हैं, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सब लोग मिलकर हर जगह कमल ही कमल खिला रहे हैं, कमल ही कमल खिला रहे हैं। ये मोदी जी के प्रति आपका प्यार ये दुनिया में संदेश दे रहा है कि तुम अपनी भाषा से कितने भी नीचे चले जाओ, भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे ही बढ़ने वाला है और तीव्र गति से चलने वाला है। मैं आपके और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में ज्यादा देर ना रहता हुआ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें और उनको विश्वास दिलाऊंगा कि हम उनके रास्ते पर चलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मेरी आप सबको एक प्रार्थना है। नॉर्थ ईस्ट के हमारे सभी भाइयों बहनों के सम्मान में, नॉर्थ ईस्ट के हमारे सभी नागरिकों के सम्मान में आप अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए और नॉर्थ ईस्ट के सभी नागरिकों का अभिनंदन कीजिए। जिन जिन के पास मोबाइल है अपनी फ्लैश चला करके, ये नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का सम्मान है, ये नॉर्थ ईस्ट के देशभक्ति का सम्मान है, ये नॉर्थ ईस्ट का प्रगति के रास्ते पर जाने का सम्मान है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सम्मान में आपने जो ये मोबाइल फोन के माध्यम से प्रकाश फैलाया है, ये प्रकाश उनके सम्मान में है, उनके गौरव में है, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, बीते वर्षों में भाजपा मुख्यालय ऐसे अनेक अवसरों का साक्षी बना है। आज हमारे लिए जनता जनार्दन को विनम्रता से नमन करने का एक और अवसर आया है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में या हमारे अन्य इलाकों में बीजेपी का काम करना उतना कठिन नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है। वहां का कार्यकर्ता हमसे अनेक गुना मेहनत करता है और इसलिए वहां के कार्यकर्ता विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज के नतीजे आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की
मेहनत का परिणाम है। साथियों, आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। साथियों, सवाल बधाई का नहीं है, लेकिन जब एक नागरिक मुझे ये कह रहा था, तब मैं अनुभव कर रहा था कि जाने मात्र से इसके दिल को कितना सुकून मिला है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के दिलों में कितना प्यार उमड़ करके आया है, उसकी वो अभिव्यक्ति थी। और तब मुझे लगता था कि मेहनत कभी न कभी तो रंग लाती है। उसी है कि मेरा गरीब भाई भी गरीबी को खत्म करने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा खड़ा लगा करके मेहनत कर रहा है। इसलिए आज भारत के विकास और उसकी रफ्तार की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? चारों तरफ गुण सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? साथियों, भाजपा के विजय अभियान में जो हमारी त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है, शिवजी के भी कहते हैं भाई तीसरा नेत्र सबसे सामर्थ्यवान माना जाता है, ये हमारी जो तीसरी शक्ति है, वो तीसरी शक्ति हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है, और मैं उनको बार बार नमन करता हूं। भाजपा के कार्यकर्ता का सेवा भाव अतुल्य है, भाजपा के कार्यकर्ता का श्रम और समर्पण अतुल्य है, भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान उसके अनुशासन से होती है। हमारी पार्टी ने बड़ी से बड़ी मुश्किलों को देखा है, हमने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी पार्टी का झंडा बुलंद रखा है। साथियों, आज मुझे ये देखकर भी खुशी है, हर चुनाव के साथ साथ देश की बहनों बेटियों का सुरक्षा कवच बीजेपी के लिए मजबूत होता जा रहा है। त्रिपुरा की, नॉर्थ ईस्ट की बहनों को भी मैं इस भरोसे के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। ये बीजेपी का सौभाग्य रहा है कि हमने नागालैंड को पहली राज्यसभा सांसद एक महिला को देकर के शुभ शुरुआत की। आज नागालैंड में तो पहली बार महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। ये हम सभी के लिए, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए गौरव की बात है। बीजेपी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम घर हो, जल जीवन मिशन के तहत हर घर पाइप से पानी पहुंचाना हो, गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देना हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देना हो, मुद्रा योजना के माध्यम से बिना गारंटी लिए 10 लाख रुपए तक की मदद हो,
ऐसी अनेक योजना का लाभ, अनेक योजना का लाभ नॉर्थ ईस्ट की लाखों बहनों को हुआ है। इसलिए उनका भरोसा भाजपा पर लगातार सशक्त हो रहा है। ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग कट्टर, कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं, वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। साथियों, आज के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटों के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही है। ये इन राज्यों के लोगों का अपमान है, जनमत का अपमान है। छोटे राज्यों को इस तरह तिरस्कार की भावना से देखकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हमेशा देश के गरीब को छोटा समझा, देश के दलित पिछड़ों आदिवासियों को छोटा समझा। कांग्रेस ने हमेशा संख्या बल को, वोट बैंक को देखते हुए राजनीति की है। यही मानसिकता है जिसने आजादी के बाद देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जब हमारी सरकार ने गरीब के लिए शौचालय बनाए तो कांग्रेस उसे छोटा काम कहती रही। जब हमने गरीब के बैंक खाते खुलवाए तो कांग्रेस ने उसे भी छोटा काम बताया। जब हमने सफाई अभियान चलाया, कांग्रेस ने छोटा काम मानकर उसका भी मजाक उड़ाया। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, छोटे लोगों से, छोटे राज्यों से यही नफरत आपको आगे भी चुनाव में डुबोने जा रही है।